हेलो दोस्तों, मैं सुरभि आप सभी का अपने चैनल दुनिया अब तक में स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको पेट्रोल से संबंधित कुछ जानकारी दूंगी, जैसे क्या डिफरेंस होता है रेगुलर और प्रीमियम पेट्रोल में, क्वालिटी और क्वांटिटी पेट्रोल की हम कैसे चेक कर सकते हैं, मशीन पर जो डेंसिटी लिखी होती है उसका मतलब क्या होता है, नोजल को कैसे पता चलता है कि उसे कब बंद होना है, और जब हम पेट्रोल पंप पर फ्यूल टैंक फुल करवाते हैं तो उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा पेट्रोल कैसे आ जाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, क्या डिफरेंस है रेगुलर और प्रीमियम पेट्रोल में। दोस्तों, जब भी हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो हमें पेट्रोल पंप पर दो तरह के पेट्रोल की सुविधा दी जाती है। सभी पेट्रोल पंप अपने पास दो तरह के पेट्रोल रखते हैं। एक पेट्रोल सादा पेट्रोल होता है जो कि बेहद ही आम है, दूसरा पेट्रोल वो जिसे कंपनी द्वारा प्रीमियम पेट्रोल भी कहा जाता है। हर पेट्रोलियम कंपनी ने प्रीमियम फ्यूल के नाम अलग अलग रखे हुए हैं, जैसे HPCL द्वारा इसे पावर कहते हैं, BPCL द्वारा इसे स्पीड कहते हैं और IUCL द्वारा इसे एक्स्ट्रा प्रीमियम नाम दिया गया है। तीनों कंपनियों के अलग अलग लोगो भी है। एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल की कीमत भी आम पेट्रोल से ज्यादा होती है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्या अलग होता है इन पेट्रोल में कि इसकी कीमत ज्यादा होती है। दरअसल पेट्रोल का विभाजन पेट्रोल में मौजूद ऑक्टाइन नंबर से किया जाता है। प्रीमियम पेट्रोल का ऑक्टाइन नंबर नॉर्मल पेट्रोल से थोड़ा ज्यादा होता है। आमतौर पर नॉर्मल पेट्रोल का ऑक्टाइन नंबर 87 से 89 के बीच होता है, वहीं प्रीमियम पेट्रोल का ऑक्टाइन नंबर 91 से 93 के बीच होता है। ऑक्टाइन नंबर ज्यादा होने के कारण ही इसकी कीमत ज्यादा होती है। अब जानते हैं कि ऑक्टाइन फ्यूल क्या होता है। हाई ऑक्टाइन वाले पेट्रोल का यह फायदा होता है कि यह इंजन में इंजन नॉकिंग और डिटोनिंग को कम कर देता है। इंजन नॉकिंग और डिटोनिंग एक मैकेनिकल टर्म है, मतलब ये इंजन में आने वाली टकटक की आवाजों को कम कर देता है। यह इंजन नॉकिंग और डिटोनिंग इंजन की लाइफ पर असर डालता है। हाई ऑक्टाइन वाला फ्यूल उन वाहनों के लिए सही रहता है जिसमें हाई कंप्रेशन सिस्टम होता है और जो वाहन इंपोर्टेड होते हैं। प्रीमियम पेट्रोल इंजन को न सिर्फ नॉकिंग से बचाता है बल्कि इसे होने से भी रोकता है। यह इंजन में किसी भी तरह के अनुपयोगी पदार्थों को भी पैदा होने से रोकता है और इंजन को पूरी क्षमता से काम करने में मदद करता है। इसका फायदा देखने के लिए आपको रेगुलर कम से कम 2-3 बार टंकी को पूरा प्रीमियम पेट्रोल से भरवाना होता है, क्योंकि इसका असर बहुत धीरे धीरे देखने को मिलता है। प्रीमियम पेट्रोल किसी भी इंजन के लिए प्रमाणित करता है कि उससे ऐसे कार्य क्षमता मिले जिसके लिए उसको बनाया गया है। प्रीमियम पेट्रोल इसलिए भी हमारे इंजन के लिए जरूरी माना जाता है। अब जानते हैं कि प्रीमियम फ्यूल के फायदे क्या क्या होते हैं। नंबर 1, इंजन के फ्यूल इंजेक्टर के इंटेक वॉल्व पर जमा अनुपयोगी पदार्थों को निकालता है। नंबर 2, कंट्रोल ऑक्टाइन की आवश्यकता को बढ़ाता है। नंबर 3, इंजन की ज्यादा से ज्यादा क्षमता का उपयोग करता है। नंबर 4, इंजन को और ताकत और रफ्तार देता है। नंबर 5, इंजन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। नंबर 6, गैसों का उत्सर्जन कम करता है। नंबर 7, इंटेक वॉल्व पर कुछ भी जमा होने से रोकता है। नंबर 8, इंजन नॉकिंग की समस्या को कम करता है। अब जानते हैं कि कौन सा पेट्रोल फायदेमंद है। प्रीमियम पेट्रोल उन इंजन के लिए बेहतर माना जाता है जो कि हाई सीसी वाले होते हैं, लेकिन आम बाइक और आम दिनों में नॉर्मल पेट्रोल को यूज किया जा सकता है। यदि आप तेज गाड़ी नहीं चलाते हैं और हाईवे पर नहीं जाते हैं तो नॉर्मल पेट्रोल यूज कर सकते हैं, और यदि आप एक्सट्रीम रेसिंग की शौकीन हैं और इंजन को हाई प्रेशर पर इस्तेमाल करते हैं तो आप प्रीमियम पेट्रोल यूज करेंगे तो ज्यादा फायदेमंद होता है। नंबर 4, पेट्रोल की क्वालिटी और क्वांटिटी को कैसे चेक करें। जिस पेट्रोल डीजल को हम गाड़ी में डलवा रहे हैं वो शुद्ध है या नहीं, इसकी जांच भी हम मिनटों में कर सकते हैं। इसके लिए आपको फिल्टर पेपर पर सिर्फ फ्यूल की 2 बूंद डालनी होगी। करना ये है कि सबसे पहले नोजल के मुंह को साफ करके नोजल से फिल्टर पेपर पर पेट्रोल की 2 बूंदें डालें। 2 मिनट में पेट्रोल फिल्टर पेपर से उड़ जाएगा, और अगर सूखने पर गहरे रंग का दाग रहता है तो समझ जाएं कि पेट्रोल मिलावटी है। और तो और, फिल्टर पेपर भी आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप पेट्रोल पंप संचालक से ही इसकी मांग कर सकते हैं। फेडरेशन ऑफ मप्र पेट्रोल डीजल एसोसिएशन वीजा प्रेसिडेंट पारस जैन ने ये बताया कि कई लोग पेट्रोल में सॉल्वेंट मिला देते हैं, इससे पेट्रोल मिलावटी होने के बावजूद दाग नहीं छोड़ता। ऐसे में आप डेंसिटी जार से पेट्रोल की शुद्धता की जांच कर सकते हैं। हर पेट्रोल पंप पर डेंसिटी जार होता है। अब जानते हैं कि कितनी होनी चाहिए शुद्ध पेट्रोल की डेंसिटी। पेट्रोल की शुद्धता की जांच उसकी डेंसिटी से की जाती है। अगर पेट्रोल की डेंसिटी 730 से 800 के बीच होती है तो वह शुद्ध माना
जाता है और अगर 730 से कम है और 800 से ज्यादा है तो उसमें मिलावट हो सकती है। डीजल की डेंसिटी 830 से 900 के बीच होती है। हम डेंसिटी जार से भी जांच करा सकते हैं। अगर आपको फिल्टर पेपर के बाद भी फ्यूल की शुद्धता पर शक है तो आप डेंसिटी जार से भी इसकी जांच करवा सकते हैं। डेंसिटी चेक करने के लिए हमें 500 ml जार, हाइड्रोमीटर, थर्मोमीटर और ASTM अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग ऑफ मटेरियल कन्वर्जन चार्ज की जरूरत होगी। हाइड्रोमीटर किसी भी लिक्विड की डेंसिटी जांचने के लिए एक अच्छा उपकरण है। यह सभी चीजें पेट्रोल पंप पर उपलब्ध होती है। डेंसिटी जार में घनत्व का अलग अलग टेम्परेचर पर डिफरेंस निकाला जाता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के मुताबिक हर ग्राहक को पेट्रोल की शुद्धता मापने का अधिकार है। कई बार नोजल से छेड़छाड़ कर 100 से 150 ml तक ईंधन में हेर फेर हो जाता है। ऐसे में शक होने पर 5 लीटर टेस्ट कराना चाहिए। पेट्रोल पंप पर 5 लीटर का एक प्रमाणित बर्तन होता है। हम उसमें 5 लीटर पेट्रोल डीजल डलवा कर जांच कर सकते हैं कि नाप सही है या नहीं। अब जानते हैं कि अगर कोई भी पेट्रोल पंप मिलावटी माल बेचे तो क्या कर सकते हैं। हर पेट्रोल पंप पर कंपनी के अधिकारियों का नंबर लिखा होता है। मिलावट होने पर हम सीधे अधिकारी को शिकायत कर सकते हैं। हम कंज्यूमर कोर्ट में भी इसकी शिकायत कर सकते हैं और पेट्रोल बेचने वाली कंपनी से हर्जाने की मांग कर सकते हैं। कंपनी में शिकायत होने पर ऐसे पेट्रोल पंप संचालकों को नोटिस भेजा जाता है और पेनल्टी भी लगाई जाती है। नंबर 3, मशीन पर जो डेंसिटी दिखती है उसका क्या मतलब होता है। जब भी हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल भरवाने जाते हैं तो हम देखते हैं कि पेट्रोल डिस्पेंसर मशीन में पेट्रोल के रेट वगैरह के साथ डेंसिटी भी लिखी होती है और इस डेंसिटी से हमें उस दिन उस पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल की क्वालिटी कैसी है उसके बारे में जानकारी मिलती है। जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं इंडिया में, जैसे कि इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, ये सारी कंपनीज अपनी ऑयल रिफाइनरी में एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का पेट्रोल और डीजल प्रोड्यूस करती है और ये स्टैंडर्ड मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के द्वारा तय किया जाता है। अब ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो इंश्योर करती है कि उनके पेट्रोल पंप से कंज्यूमर को बेहतर क्वालिटी का एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का ही पेट्रोल और डीजल मिले, उसमें किसी भी तरह का मिलावट या एडल्ट्रेशन ना हो। किसी भी तरह के पेट्रोल पंप के डीलर द्वारा ये मिलावट ना की जाए, इसलिए कंपनीज ने एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर पेट्रोल का अलग रेंज डिसाइड किया हुआ है और डीजल के लिए भी अलग रेंज डिसाइड किया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम पेट्रोल पंप पर डेंसिटी चेक करने के लिए जार ले सकते हैं जिसमें पेट्रोल फिलिंग नोजल को डाला जाता है। पेट्रोल की डेंसिटी चेक करने के लिए पेट्रोल के नोजल को और डीजल की डेंसिटी चेक करने के लिए डीजल के नोजल को डालते हैं। साथ ही थर्मोमीटर और हाइड्रोमीटर को भी जार में डालते हैं। थर्मोमीटर से हमें फ्यूल के टेम्परेचर का पता चल जाता है और हाइड्रोमीटर से फ्यूल की डेंसिटी का पता चल जाता है। इसके बाद ASTM चार्ट का यूज होता है। अगर हम मान लें कि थर्मोमीटर ने फ्यूल का टेम्परेचर बताया 34 डिग्री सेल्सियस और हाइड्रोमीटर ने बताया फ्यूल की डेंसिटी 0.98 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, तो हमें इससे 15 डिग्री सेल्सियस पर फ्यूल की डेंसिटी पता चल जाती है। ये 15 डिग्री सेल्सियस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है जिससे हमें पेट्रोल डीजल की सही डेंसिटी का पता चलता है। जो इंडिया में पेट्रोल के डेंसिटी का रेंज है वो है 15 डिग्री सेल्सियस पर 720 से 775 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। अगर हम पेट्रोल डलवा रहे हैं और डिस्पेंसर मशीन में 720 से 775 के बीच की रीडिंग दिखाई दे रही है तो हम ये समझ सकते हैं कि पेट्रोल की क्वालिटी उस पेट्रोल पंप पर बेहतर है। और वहीं डीजल के लिए 15 डिग्री सेल्सियस पर 820 से 860 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, तो इसके बीच में ही डीजल की रीडिंग आती है, तो इससे भी ये पता चल जाता है कि डीजल की क्वालिटी भी बेहतर है। अक्सर इन चीजों की जानकारी बहुत से लोगों को नहीं होती है और जो हम पेट्रोल डीजल आते हैं उसमें कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे माइलेज वगैरह सही देखने को नहीं मिलता। इसलिए मशीन पर डेंसिटी पेट्रोल डीजल की क्वालिटी बताने के लिए ही होता है। नंबर 2, नोजल को कैसे पता चलता है कि उसे कब बंद होना है। जब भी हम पेट्रोल पंप पर जाते हैं और पेट्रोल डीजल के लिए टैंक फुल करवाते हैं तो हम देखते हैं कि उस नोजल को बंद नहीं करना पड़ता। जैसे ही पेट्रोल डीजल फुल भर जाता है वो अपने आप बंद हो जाती है। नॉर्मली हमें ऐसा लगता है कि जो चीज अपने आप बंद हो जाती है वो इलेक्ट्रिक है, लेकिन ये पूरा प्रोसेस मैकेनिकल होता है। इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक वायर या इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज नहीं होती है। इसमें कोई बैटरी वगैरह नहीं होती है। होता यह है कि पेट्रोल डीजल के नोजल में आगे की तरफ छोटा सा होल होता है। जब भी इस नोजल को पेट्रोल डीजल भरने के लिए इंसर्ट किया जाता है तो खाली टैंक होने की वजह से उसमें हवा भरी हुई होती है। जैसे ही पेट्रोल डीजल इस नोजल से गाड़ी के टैंक के अंदर जाता है तो टैंक के अंदर की हवा इस नोजल के होल से नोजल के अंदर खींचती है और अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। और हम ये जानते हैं कि फ्यूल थोड़ा सा हवा से भारी होता है। जब नोजल में हवा आते आते फ्यूल से टच हो जाती है तो फ्यूल को खींचने में प्रॉब्लम होती है उस पाइप को, और हवा के ब्लॉकेज के कारण वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है और उसके थोड़ा सा छोटा होते ही वो लीवर छूट जाता है और वो बंद
बंद हो जाता है। सिंपल सा प्रोसेस होता है कि फ्यूल आ रहा है, हवा अंदर जा रही है और जैसे ही फ्यूल टच हो गया, मतलब टैंक फुल हो गया, तो उसको खींचने में दिक्कत होती है। पाइप थोड़ा छोटा हो जाता है और थोड़ा सा छोटा होने के कारण गैप क्रिएट होता है और पुल की हुई नोजल बंद हो जाती है वापस। ये प्रोसेस फ्यूल को थोड़ा सा भी नीचे नहीं गिरने देता, अच्छे से मेंटेन करके रखता है। ना ही हमें बार बार ये ध्यान देना पड़ता है कि फ्यूल भरा या नहीं भरा, वो ऑटोमेटिकली अपने आप बंद हो जाता है। नंबर वन, कैसे टैंक की दी हुई कैपेसिटी से फ्यूल टैंक में ज्यादा आ जाता है। ऐसा होता है कि जब हम पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने जाते हैं और टैंक फुल करने को कहते हैं, तो उसमें दी गई टैंक की कैपेसिटी से ज्यादा फ्यूल आ जाता है। जैसे अगर हमारी गाड़ी का 42 लीटर का टैंक है, उसे हम फुल करवाते हैं और देखते हैं कि हमें 50 लीटर का बिल थमाया जाता है, तब हमें लगता है कि पेट्रोल भरने वाले ने हमारे साथ कुछ गड़बड़ी की है। वो हमें सब चेक करवाता है, जीरो से फाइनल रीडिंग भी, और कंपनी के द्वारा दी गई टैंक की जानकारी से ज्यादा फ्यूल आना हमें पूरी तरह गड़बड़ी की ओर इशारा करता है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दरअसल इसमें पेट्रोल पंप या पेट्रोल भरने वाले की कोई गलती नहीं होती है। इसका कारण ये है कि जो कंपनी द्वारा मैनुअल में टैंक की दी गई कैपेसिटी होती है, उसमें फिलर होल्स यानी फ्यूल टैंक से लेकर जहां तक फ्यूल डाला जाता है कनेक्टेड होते हैं, लेकिन उसकी कैपेसिटी मैनुअल में मेंशन नहीं होती है। वहां सिर्फ सेफ वॉल्यूम ऑफ फ्यूल लिखा जाता है, मतलब इतनी कैपेसिटी पर उसका सेफ पेट्रोल रहेगा, लेकिन उससे ज्यादा भी पेट्रोल आ सकता है, इसकी जानकारी मैनुअल में नहीं दी होती है। और दूसरा कारण ये होता है कि गाड़ी की टंकी कैलिब्रेटेड नहीं होती है, जबकि मशीन जिससे पेट्रोल डाला जाता है वो पूरी तरह कैलिब्रेटेड होती है वेट्स और मेजर विभाग के द्वारा, और इसका प्रमाण पत्र हर पेट्रोलियम पंप पर उपलब्ध होता है। इसलिए कभी कभी गाड़ी की दी गई टैंक की कैपेसिटी से ज्यादा उसमें फ्यूल आ जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ आगे भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।